नीतू ना वाले ने पैसे घर मत लिए, वो पैसे ना सही नहीं रहते। हैंड स्टैंड करके दिखाओ। क्योंकि ओ भाई भैया पूनम पांडे मर गई भाई। भैया इसी लेटरिन आ गई। Guys, so I do a lot of college shows, but today I'm performing IISc Bangalore and probably one of my best shows that I've ever done. सुनो, और मैं बता दूं, alumni के घर में कलेश चल रहे हैं यहाँ पे, और फैकल्टी के घर में भी। तो ये कॉलेज के बच्चे पीछे ही पड़ गए कि व्लॉग तो बनना ही चाहिए, तो कह रहे सर व्लॉग डाल ही दो। नाम बता पहले। नमन, तू क्या करता है इधर? नहीं बेटा, पढ़ाई क्या कर रहे हो? यूजी थर्ड ईयर है। तो दोस्तों ये कह रहा है कॉलेज का क्राउड क्या था, मैं बता दूं बहुत जबरदस्त क्राउड था। अगर आप आईएससी के शो में आए, सुपर ऑडियंस, सुपर सब कुछ, यही सुनना तेरे को। अरे पिछले दो दिन मैंने दो कॉलेज शो करे, DTU और ISC, एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग, लाइक वन ऑफ माय बेस्ट। वैसे मैं हर शो में बोलता हूँ क्योंकि आजकल ठीक जा रहे हैं, बट दोनों बहुत मजा आया ISC और DTU करके। तो बैंगलोर बैठे थे, अभी शाम को मैंने क्वालिटी ट्रायल शो डाल दिया है व्हाइट फील्ड साइड में, मैं रुका हूँ इधर ये। तो सर बैंगलोर में, जैसे मैंने बताया था, मैं क्लब पे शो करने आया था। वो देखो यहाँ पे कौशन लाइव स्टैंड अप कॉमेडी जो लिखा हुआ है, बैंगलोर में व्हाइट फील्ड के पास, क्या सीके हेली है ना एरिया, सीके हेली करके एरिया, यहाँ पे मस्त कॉमेडी क्लब है। इनको फॉलो कर लो आप इंस्टा पे, अगर आपको बैंगलोर में छोटे छोटे देखने आने, ओपन माइक वगैरह पता करने, ओपन माइक करने हैं तो ओपन माइक करते हो अभी तुम? माइक करते रहते हो ना? और ट्रायल शोज वगैरह भी, तो आज मैंने तो फर्स्ट टाइम करा, बहुत मजा आया। क्या है इंस्टा हैंडल बोल? कॉमेडी गराज अंडरस्कोर। अगर आप बैंगलोर से हो और व्हाइट फील्ड के आसपास हो तो डू फॉलो देम, एंड इट्स अ 30 सीटर रूम, वेरी नाइस, स्वीट सा रूम है, मस्त मजा आता है। उससे ज्यादा तगड़ी इसकी बाइक है भाई। ये कौन सी बाइक है? तो फर्स्ट टाइम देखी। इसकी रेट बताइए आप। 10 लाख, 1.2 लाख आज के डेट में भी। इसका जो जापान वाला, ये सब प्लास्टिक है क्या सर? बनाया गया था इसके लिए कि बहुत कुछ फाड़ू निकालेंगे, फिर आ गया रॉयल एनफील्ड। बट इसका जो ओरिजिनल जापान वाला मॉडल है ना इंक्लूडर, वो 18 लाख की है। और वहाँ इंडिया में 1 लाख, और इन्होंने उसको स्केल डाउन करके यहाँ पे कम सीसी के लिए बनाया। हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो कि है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अभी मैं आया हूँ गोवा चिल करने के लिए दोस्तों के साथ। 3-4 दिन का अपना ट्रिप है और मजे मारेंगे। फर्स्ट टाइम हमने गोवा में से बंगलो बुक करा है, और अभी मेरे साथ एकदम वो हो रहा है, वो नहीं होता, वो याद है पाब्लो वाला सीन, कि पाब्लो अपने घर में अकेले रहता था। तो मेरी फ्लाइट सुबह जल्दी आ गई, और इन दोनों की बाकियों की फ्लाइट सभी लेट है। अभी घर में अकेला भाई, 2.5 घंटे से मैं रनिंग वनिंग सब करके आ गया, पर बंगलो दिखा दूँ, मस्त बंगलो। फर्स्ट टाइम ऐसे मैंने बंगलो अपने टाइप का, विला टाइप का बुक करा इधर, एंड होपफुली इट्स गोइंग टू बी अ गुड एक्सपीरियंस। पहले तो ये हॉल वाला हिसाब किताब पूरा, अकेले दिखाने मजा है, बाद में तो भसड़ मचने वाली है कुछ ज़्यादा ही। ये एक रूम इधर नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे ही है, बढ़िया सा रूम है पूरा हिसाब किताब। बाथरूम सेक्सी है, देख रहे हो ये वाला ग्राउंड फ्लोर वाला? एक मिनट इसको 0.5 में दिखा दूँ, मजा आएगा। ये देख लो भाई साहब, फिर हम आए ये रूम में, नीचे का एक बेडरूम है, ये 0.5 में है तो इसमें बड़ा लग रहा होगा, ठीक है, इतना है नहीं, पर अच्छा आ रहा तो 0.5 में दिखा दो। किचन थोड़ा छोटा है, किचन जरा सही है एकदम, मतलब जिस हिसाब का बंगलो है, आई थिंक बनाया भी उस हिसाब से है कि लोग ज़्यादा कुक वुक करेंगे नहीं, रेंट पे देने के लिए आई थिंक उस हिसाब से बनाया है। बाकी ये रहा स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल छोटा है एक्चुअली, एक रूम है बड़ा ही बढ़िया था। ये रहा रूम, बाथरूम सुंदर है भाई यहाँ के रूम से अच्छे, एक एक दही लगा लिया जाए तो मज़ा आ जाए। हाँ ये छोटा रूम है, फर्स्ट पर्सन हैज एंटर्ड नयाल इज हियर। अरे तो साथ में है, गाली नहीं है ब्लॉग में, गाली नहीं, गाली आनी चाहिए। वाओ व्हाट अ बोल्ड हेड। हाय मम्मी। ए अजय, हेलो, गोवा में मचा देंगे, इट्स अ रोड ट्रिप। या गंजे, क्या हाल है? ए ईशान ने सर, दोस्तों घर भाई, भाई पता है आपको भाभी का श्रेया का फोन आया? भाभी का नहीं, श्रेया को भाभी का फोन आया, श्रेया को भाभी का फोन आया। भाइयों सब लोग आए, आए दिखाइए जरा, पेट शेव करके दिखाइए, एक बार दिखाइए, ईशान दिखाइए भाई पेट, एक बार दिखा दो। और अरे ईशान की आड़ दिख गई भाई, तू दिखाई, तेरे तो आते ही नहीं है ना, दिखाइयो भाई, पहाड़ियों के नहीं आते ज्यादा। और भाई भाई ये देख लो, ये गड्ढा है, गड्ढा बोरवेल, बोरवेल ये गड्ढा, बोरवेल का दोस्तों। बड़े जोश में गोवा ट्रिप स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होने के आपको 2 घंटे के अंदर मैं सीन्स दिखाता हूँ।
अजय को अभी पता चला कि आईफोन जो है पानी में भी चलता है। नहीं नहीं मुझे ये नहीं पता था कि मेरा वाला आईफोन भी वाटर रेजिस्टेंट है। क्या क्या है तेरा वाटर नहीं करे नहीं क्या बोला मेरा वाला भी वाटर रेजिस्टेंट क्या है वाटर मैं नहीं कर रहा अंग्रेजी का मजाक बना रहा हूं मैं एक और बात बता नहीं नहीं वाटर रेजिस्टेंट है अरे कट करूंगा ना मुझे नहीं पता था कि मेरा जो फोन है वो पानी में भी चलता है तो अभी तक तो मैं टट्टी करने जाता था तो फोन यूज करता था अब मैं सोच रहा हूँ मैं नहाने जाता हूँ ना तो उसमें भी यूज करूंगा भाई अरे टमाटर ये कट रहे प्याज और ये वो कहा है चिकन और जे बना रहा कंटेंट जे बना रहा हूँ चलने को ना है जे को कर रहा लल्ला तेरे हाथ से बन गए द आर्टिस्ट एंड हियर इज द आर्ट ओ भाई इस गोवा ट्रिप पे वाइन ग्लास में कभी आपने ग्रीन टी पी है हम ये कर रहे हैं व्हाइट वाइन लग रही है ना बस ग्रीन टी है भाई तो तेरे को स्पीड देना नहीं है रियल में तेरे को बस एक्टिंग करनी है ऐसे मार पहले मेरे तेरी क्या कर रहा है अजय ये 2 मिनट पहले हैंगओवर से मर रहा था ये देख लो हालात चश्मा पहन के निकला हुआ है बड़ी है 2 इलेक्ट्रोलाइट की गोलियां खा के चल रहा है क्या जिंदगी है ये सवेरे उठो समुंदर जाओ गोते मारो वापस आओ नाश्ता करो स्विमिंग पूल में डुबकी लगाओ फिर नहाओ दो फिर उठो निकलो फिर शराब पीने वापस निकल लो फिर वापस आओ फिर शाम को थोड़ा सा खाओ फिर रात को अजय के साथ पार्टी करने जाओ लेकिन हम सब का तो कोई मोटिव नहीं है भाई हम तो ऐसे हैं कुछ भी हो रहा है लेकिन गुब्बी एक मोटिव सा है कम से कम 2 रील बना के दे कम ईशान की और एक बार खींचो ईशान की फोटो ये तो सुबह से 6-7 उल्टी कर चुका है पूरा ऊपर का फ्लोर महक रहा है उसने केयर टेकर ने मना कर दिया मैं यहाँ धुलाई नहीं करूंगा और ईशान पता क्या करता है लेकिन मुझे गुब्बी के इलेक्ट्रोलाइट्स ने बचा लिया भाई 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 वो तो ठीक है भाई पर वो छोड़ तू सब कुछ छोड़ दे ईशान की टी-शर्ट देख ले एक बार ये वो वाली है ईशान इसको ना मैं गले में ना शर्ट के अंदर बदल रहा पॉकेट दिख रही है हाँ। उसी में ईशान के पैसे रखे हुए देख रहे हैं ईशान का वैसा वाला है भाई वो पता क्या करेगा अभी उसको 4-5 DP चाहिए जो हर हफ्ते चेंज करेगा दोस्तों आज हम लोग आए हैं एलिफेंट एंड कंपनी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस दैट वी हैव एक्सप्लोर्ड इन गोवा टिल नाउ इसके पहले हम बहुत सारे रेस्टोरेंट चले गए पर मजा असली हमें यहीं पे आया है और हमने वहाँ पे पिया है मिर्ची वाला पानी जो भी सबसे उसका नाम है इवांतो इवांतो नहीं वांतो पिकांते उसका नाम पिकांतो है वैसे तो सनसेट खेत इफ एट ऑल यू कम हियर जस्ट कम टू एलिफेंट एंड कंपनी यूज कोड गौरव के 2020 फॉर 0% डिस्काउंट दोस्तों अजय भाई हमारे जॉब करते पर उनका पैशन है गिटार बजाने का तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है पर दोस्तों आपको पता है कोल्ड प्ले है कोल्ड प्ले जब भी परफॉर्म करता है ना ऊपर की टी शर्ट उतार के परफॉर्म करता है और जब भी अजय परफॉर्म करता है नीचे का कच्चा उतार के परफॉर्म करता है बिना नीचे कपड़े में बड़े बड़े गिटारिस्ट बिना कपड़े टॉप के परफॉर्म करते हैं अजय हमारा पैंट उतार के कच्चे में परफॉर्म करता है कसीनो में तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं था हमने बनाया ही नहीं पर कसीनो के बाहर वीडियो बनाने पक्का अलाउड होता है मम्मी देखी यार तेरी किसकी मम्मी देखी तेरी मम्मी को पता नहीं है तू कसीनो करता नहीं नहीं तेरा नाम नहीं मैं अपना नाम लेके डालूंगा ना आंटी को भी तो पता चल रहा है घर पे जो रोटियां कभी कभी बनती है कसीनो से आके बोल दूंगा हां नहीं नहीं अरे के भी तो डालेंगे अरे तो मजेदार भाई विनर ऑफ द नाइट का है दोस्तों सुनो तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आज ना एक बंदे ने मुझे प्रोबेबिलिटी समझाई थी मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी कसीनो की बात नहीं बन रही वीडियो में नहीं नहीं अरे कसीनो की नहीं डाल रहा यार सुनना मैं तो मैथ की बात है नितेश भाई आज हम काफी अच्छा एक कुछ नहीं करेंगे भाई एक बस ये दिखा दो गड्डी अरे ये भाई नहीं क्या दिखाना नहीं है भाई ये देख लो वो गड्डी कितनी हो रखी ये नितेश भाई का हिसाब किताब यहाँ पर ना और ये जाते टाइम इसकी जेब भी ऐसी फूली हुई थी बस वो वाली गड्डी यहाँ गई है भाई बंदा 40,000 रुपए ऊपर चल रहा है मैंने बोला ये दे दे ये चिप्स दे दे इसको मैंने मैं क्या तेरे थोड़ी रिकवरी तो कर लूँ ब्लॉग डाल के मैंने कहा भाई दे दे ये मुझे मैं इसमें इसको मैं कैश करा ले तो कह रहा नहीं मैं संभाल लूंगा अभी बात बता तेरे को भाई किसी को बोला उतर जाओ अभी खेलने की जरूरत नहीं है यार भाई पता नहीं उतरते उतरते उसने पता क्या करा भाई 2 सिक्के ऐसे उठाए ऐसे रख दिए 2 जगह मैंने क्या कर रहा है कहना तेरे को पता नहीं 33% प्रोबेबिलिटी 77% प्रोबेबिलिटी जब तक इसने पूरा अपना प्रोबेबिलिटी खत्म करी तब तक 77 की 0% प्रोबेबिलिटी हो चुकी थी और तेरा पैसा उसमें जा चुका था भाई ये कैसे आ रहा है लास्ट वाला हो अब चल रहा था भैया 15,000 ऊपर 20,000 ऊपर चल रहा था
दोस्तों बाकी पर वो सब छोड़ो, वी ऑल्सो हैव वर्जिन विनर विद अस दिस टाइम, फर्स्ट टाइम एवर अजय रावत हैज वन इन कैसीनो टुडे। तू भी आ रहा था, तू कितना? 10 ये नीचे भाई, मैं 10 ऊपर चल रहा था, 10 ऊपर चल रहा था, फिर मेरा सडनली पता नहीं क्या हुआ भाई, 10 तो वो चले गए, फिर उसके बाद 5-6 और गए, बस तभी मेरे को समझ आ गया नहीं आज उठ जाओ। नेहल तू कितने गया भाई? किसी ने नहीं बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करी आज, ये अच्छा बात थी। नहीं आई लाइक दैट पार्ट, तभी जीत पाए हैं। नितेश भी तो इतना सही खेल रहा था, एक टाइम पे साइड में बंदे, 3-4 बंदे क्लास लेने आ गए थे पता है। लेकिन मैं पता, एक भाई साहब तो नोट्स बना के बैठे थे, किस किस नंबर पे लगा रहा है नितेश। हम रात को हम लोग क्या करने वाले हैं ना, एक हम प्रोबेबिलिटी क्लास सीखेंगे रोहित खट्टर से। इधर कैमरा कैसे से हैं? दो एकम दो दो बिल्ली चार दो इतना छह दो कि शुरू से ऐसी बंदियां रही हैं जो उसके ऊपर एकदम हावी रही, देख रहा है। लेकिन इसकी सारी बंदियों ने इसका साथ दिया। अभी हम घर जाते हैं, इसी का पराठे भेजे, नाम काट दूंगा, लूंगा अब बता लूंगा। तो ले तेरे घर में जुए की रोटी आती है, ये तो बता। अंकल भी खेलते, एक ही मेहनत करता है वो आंटी। आज भाई मेरे को फिरंगी से मुक्के पड़ने वाले थे, वो तो मुझे हमारे देश के वासियों ने बचाया आज, इंक्लूडिंग अजय और बाकी देशवासी भी थे। अरे छोड़ो 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 भाई, मेरे से क्या हो रहा, मैं स्कूटी चला रहा था, कई बार होता है आपसे कंट्रोल नहीं होती भाई। एक बलिनो आई, बलिनो में 3 लड़कियां, गौरव जी ओ बिग फैन, मैंने कहा यार ओके, तो मैं भी चौड़ में बली अपनी स्कूटी निकाल रहा भाई, पता नहीं क्या हुआ मेरे से ना, रेस चली जा रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं रही है स्कूटी भाई, वो रेस चली, मैं बलिनो बचाई, सामने गोरा आ रहा था, गोरे के पता एकदम बीच में घुस गई, मतलब सॉरी गोरे के ना एकदम सेंटर के बीच में घुस गई स्कूटी भाई, गोरा पता है भाई, 2 मिनट तो शांत था कि इट्स ओके, पता नहीं उसको सडनली क्या ईगो हिट हुआ, सडनली मेरा भाई कॉलर उसने ऐसे पकड़ा भाई, पर वो मेरे पता है मुक्का आने वाला था दोस्तों भाई मुंह पे, वो तो मेरे देश के वासियों ने, जो भी उतने भाई अपने भाई बंधु थे वहाँ पे सारे, और अजय पता नहीं खट्टर ने, खट्टर तूने कुछ करा क्या करा? खट्टर तो इकी गाय की ट्रिप ऑफर करी। यूथ में फोन एडिक्शन दिखाना चाहता हूँ, इट्स अ सीरियस कंसर्न। ये देखो नेहल कैसे सो रहा है, एक सेकेंड भाई, यहाँ अपने फोन हो रहा, सो रहा है भाई, लिटरली सो रहा है। अजय कैसे सो सकता है ऐसे? कल भी ऐसे सोया था, क्या बात कर रहा है? जब इंसान के पास नया नया कैसीनो का पैसा आता है, जब इंसान को पता चलता है गोवा ट्रिप, जब इंसान को पता चलता है गोवा ट्रिप फ्री हो चुकी है, तब इंसान को कॉन्फिडेंस। देखो भाई अभी सुबह से इतना अमीर आदमी है, सुबह से भूल गए कि अरे कल रात तो एक गड्डी लेके आए हैं। मैंने घर पे फोन किया, मैंने बताया, मैंने कहा कि अरे मम्मी वहां से ना पैसे जीत गए, नीतू ना बोला ना पैसे घर मत लियो, वो पैसे ना सही नहीं रहते। किस किस की बद्दुआ के हैं, फिर अजय कैसे हारा? मैं 16,000 जीता हूँ, तो उसके बाद मैंने कहा नहीं तू तो बोल रहा था इससे साफ है, अरे क्योंकि मेरी गुब्बी से 9 उधार लिए थे। जिंदगी में ध्यान रखना उधार कभी मत लेना। एक मेन योद्धा तो आया नहीं है, क्या बात कर खट्टर 50 नहीं खट्टर आ रहा है 25 भाई देख रहे भैया के हाथ में, भाई प्यार है हमारे में, किसी के पास टैटू नहीं है भैया के पास है भाई, उसमें जितना मतलब भाभी की उसने पत्नी शक्ल अजीब सी बना दी है, उसमें तेरी बनवा तेरी बहुत अच्छी आएगी, काम करता हूँ पूरे हाथ में कोई आएगा तपड़ा मुझे बता था, भैया की रोने की नहीं होना है क्योंकि भैया की शक्ल खुद इतनी खतरनाक है ना, अगर एक अच्छी शक्ल की बीवी इसने बना देते तो लोग कहते ही क्या। अजय तू बनवा लेगा टैटू? अजय ये इसी का तो वेट कर रही थी हिमानी, मैं तो कह ही रहा था परसों एक पूरा ग्रुप का एक टैटू बना, अगली बार नहीं आएगा ग्रुप का, मतलब सब लोग टैटू बनवा ले अपनी वाइफ का, नहीं मैं तो टैटू से डर लगता है ना बनवा लूं। हाँ।
तो यही डर होता है गुब्बी, उसी डर से लड़ना पड़ता है। तूने डकार पात का नहीं डालूंगा भाई, रील में अपने ब्लॉग में जिस दिन पाक डकार डाल देते ना उस दिन। लेकिन मैंने एक चीज देखी, कल मैंने एक चीज देखी, तो खट्टर के आसपास कितना ही पाक लोग, मतलब खट्टर को ना बदबू में रहने की आदत है, क्योंकि उसके मुंह से खुद इतनी गंदी बदबू आती है, तो खट्टर को आदत है। मैंने देखा भी, मैं निकला तुम्हारे रूम के सामने से, खट्टर ने कानों में ना वो लगा रखे थे एयरपॉड्स, बाइक कर रहे थे, क्योंकि उसको ये लगता है कि नाक में तो जाती नहीं, वो नाक से सांस लेता भी नहीं, मुंह खोल के रहता है, तेरा पाक उसके कानों में ना चला जाए। पर तूने कल बहुत मारे थे ना, पता है तूने भाई इतना गंदा मारा था, पता है एक भाई मारा तो कल किसी और को था, किसी साढ़े मैं छाट देता उसे, उसे मैं एकदम पूरा देश याद दिला देता। यहाँ आगे पता मुझे क्या कह रहा है, कह रहा भाई मैं उसकी गद्दी छाट देता। हाँ उस बात को, ये गुब्बी कह रहा है मैं उसकी गुद्दी छाट देता और वो बदले में गुब्बी को अपनी झाट देता। अच्छा ये है 1 मिलियन ये 1 मिलियन न्यूज है भैया। पूनम पांडे मर गई भाई, सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। पूनम पांडे हैं वो अभी तो कल ही तो वो करे ना वो। भैया आपको गुब्बी का पता है, गुब्बी ने पहले भी ऐसी बातें करी, जब ये कॉलेज में था बस स्टैंड जो थी आती थी तो हमारे कॉलेज के बगल में एक सरकारी स्कूल, नाम मत ले कुछ और नाम बोल के बोल, ऐश्वर्या राय जब हमारे कॉलेज में पढ़ती थी ठीक है, हाँ तो वो बस स्टैंड से आती थी, नाम चेंज करने के लिए हमने बोला है ऐश्वर्या राय, तो वो बस स्टैंड से जब भी आती थी तो क्या होता था कि वहाँ पे थोड़ा फास्ट थोड़ा लाउड बोल, कॉलेज के बगल में एक सरकारी स्कूल होता था, तो उसके बच्चे ना उन्हें पत्थर मारते थे कंकड़, तो ये बात गुब्बी को बता, हाँ ऐश्वर्या को, और फिर ये बात उसने, और ये बात सलमान को बताई ठीक है, तो सलमान ने बोला, सलमान गुब्बी, सलमान गुब्बी ने बताया ना मुट्ठी बनाई, कह रहा मन उनकी गुद्दी छोड़ दूंगा मैं, आऊंगा तुझे लेना। गुब्बी अगले दिन चला गया सुबह सुबह, अब ऐश्वर्या और सलमान साथ में आ रहे हैं ठीक है, मैं जैसे सरकारी स्कूल के सामने आए उन्होंने फिर पत्थर मारा, और इस बार उन्होंने उसको ही नहीं गुब्बी को भी पत्थर मारा, तो गुब्बी कहते भैया उसने गुब्बी को इतनी मुँह पहन के गाली दी है, तो पहले गुब्बी कॉलेज पहुंचा फिर उसके बाद मैं जाता था ठीक है, पर तू वो तो बताया तू सफेद टी शर्ट पे छाती पे 11 नंबर के जूते का निशान लेके आया था। अरे वो तो कल का तो बता, कल हुआ क्या है, कल गुब्बी का क्या हुआ, गुब्बी स्कूटी में बैठा हुआ था तो पीछे से एक बलिनो आई, उसमें ऑब्वियसली कुछ लड़कियां थी, उन्होंने ऑब्वियसली कुछ लड़कियां थी, तो उन्होंने बोला कि हे गुब्बी, हे गौरव, हे गौरव, गौरव का एक क्या था, कई बार फेम का नशा आपके दिमाग में चढ़ जाता है। कल मैंने अपनी आंखों से वो देखा और महसूस भी किया, मैंने तो शारीरिक भी महसूस किया कि गुब्बी की स्कूटी के पीछे मैं बैठा था, और गुब्बी ने उस पागलपन में जो स्कूटी का एक्सीलेटर दिया है वो आगे जाके किसी वो फिरंगे की सीधा भाई इसने सीधा चढ़ा दिया मतलब, और उसके बाद कह रहा, और उसने उसकी गुद्दी पकड़ ली, अब भैया ऐसे कदम हम सब साथ दे ही देते, घर आके मुझे कह रहा मैं उसकी गुद्दी छाड़ता हूँ, मैंने गुब्बी जहाँ दिनों उसकी स्कूटी घुसाई है ना तेरी हाइट वहाँ तक है, वो तो तुमने बच्चा समझ के छोड़ दिया। और खट्टर से ये वाला हाँ कर दो, खट्टर से एक ही गाय की ट्रिप ऑफर कर रहा है, फिलहाल तो एक ही जो मालदीव्स खट्टर से साइड में ले जाएगा यार, दर्द मिला तो भाई मेरे को उसने जैसे पकड़ा था मैं समझ गया था उसको मैं खूब मारूंगा, एक आइडिया लग जाता है ना सामने वाले की ताकत का। उसको तेरी कमजोरी का अंदाजा नहीं हुआ, तुझे उसकी ताकत का अंदाजा था, उसको तेरी कमजोरी का अंदाजा नहीं होगा। इस गुब्बी का मैंने एक चीज देखा, गुब्बी की एक चीज अच्छी, गुब्बी सरेंडर कर देता है, सॉरी 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 गुब्बी, कह रहे भैया सॉरी मैं गुलाब, सॉरी गुब्बी ने टैप आउट कर लिया, भैया को तो ये वाली चाहिए। चलो यार खट्टर, यो भाई इट्स अ फिटनेस वेकेशन, राम राम भाई सारे आने, राम राम भाई सारे, हैंड स्टैंड करके दिखाओ गुब्बी, ओ भाई साहब एक बार में गुब्बी कसम से पूरा एब्डोमेन क्लियर, हल्के में ले रहे क्या, हल्के में ले रहे भाई को, just before leaving we have surprise for you, we have other our friend another band from pahad negi with us, hey aaj hi pahunche hai band, tu mat kara kar bhai, ye mat kara kar, tere ko yaad hi tera pichla daant, acha theek hai, always a pleasure you know, are party karne aaye yahan pe ek jagah elephant and company, bahut maza aaya,
मिल हो गया, अभी से टट्टी आ गई है। और गुप्पी को भूख लगी है। हाँ मुझे भूख लगी है, पर मैं खाना खाऊंगा जो यहाँ पड़ा है। पर तू टट्टी करने खेतों में चले जाए, एक काम कर, तेरे ले आगे वॉशरूम अलाउड नहीं है। भाई यहाँ पे मस्त कॉकटेल है, काय भाई दिखाना, ये एलिफेंट एंड कंपनी गोवा में, अगर आप आओ तो पिकांते करके कॉकटेल है। आपको बता रहा हूँ परसों से अभी तक भाई हम 50 तो कर चुके ऑर्डर। ये और ये भी दिखा दे प्रॉन्स, ये भी बड़े काली प्रॉन्स। नहीं बिल नाम है ना इसका, क्या नाम है? गिलबम बिल। दुनिया की ब्लॉग बड़ी बड़ी मशीनरी, ये वो दुनिया बंदी, ये यहाँ भैया इसी लेटरिन आ गई। फिल्म शौचालय के ऊपर ब्लॉग है भाई यहाँ। तभी तो गुप्पी कह रहा मेरा 6 लाख से ऊपर बढ़ नहीं पा रहे। बढ़ जाएंगे भाई, बढ़ जाएंगे। चलो 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 भाई, हो गया गाइस। सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेस व्लॉग। आई होप यू लाइक द व्लॉग। इफ यू लाइक द व्लॉग देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट व्लॉग इज गोइंग टू बी आउट वेरी सून। सी यू गाइस।